कितने नुकसान हुआ है? क्या गैस सिलेंडर का कितना दाम था, दाल का कितना दाम था, एजुकेशन में कितना थी, रोजगार के नाम पे कितना रोजगार दिया है? उसका नोटबंदी से क्या लेना देना? क्या रोजगार? नोट बंद करने से इस देश को यार युवाओं को क्या फायदा हुआ है, गरीबों को क्या फायदा हुआ है? सत्ता में भाई, सत्ता में जो भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार नेता, जो भ्रष्टाचार विधायक संसद बैठा है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होता है? सरकार के इस फैसले को क्या कहेंगे? 2000 का नोट जो बंद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? कहाँ तक सही है? गलत है ये तो पूरा। जो बाकी का अगर क्षेत्रीय का जो भी लोग रहेगा ना, तो किधर से ना ये करेंगे? वो बोल रहे कि 20,000 का है ना तो ट्रांजेक्शन है, तो उसमें तो घाटे पड़ेगा ना सब। ये अचानक डिसीजन ले रहेगा तो फिर बाकी का तो प्रॉब्लम आएगा ना। जो लोगों का जो अभी गवर्नमेंट में का जो अभी जो राजकारणी का लोगों का देखेंगे तो उन्होंने ऑलरेडी सेटिंग तो करके ले लिया है ना, तो बाकी का जो आम जनता है ना, तो उसमें तो वो है ना, वो घाटे में जाएगा ना पूरा के पूरा। सरकार का फैसला क्या सही है? इसे तो गवर्नमेंट का फायदा है सर, आम जनता का कोई फायदा नहीं है। आम जनता को आज भी 400-500 कमाते, रोज खाते, रोज कमाते हैं। ये सिर्फ कर्नाटक चुनाव जो भाजपा हारी है उसको मुद्दा फटकाने के लिए है। सर ये जानना चाहेंगे 2000 का नोट जो बंद किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इनकी सरकार है, कुछ भी कर सकती है भाई, रात को दिन, दिन को रात कर सकते भाई। 2000 के नोट बंद हो रही है भाई, इसमें गवर्नमेंट राजनीति कर रही है। 2024 में इलेक्शन होने वाला है, इसकी वजह से वो 2000 के नोट वो बंद कर रही है। कि आने वाले 2024 में जो इलेक्शन है, इसका एक मामूल बना लिया है गवर्नमेंट ने, ये बंद कर देंगे, इससे हमारा देश पीछे जाएगा। जिसके पास 2000 की नोट है वो क्या करेगा?